just saying, like some educators on the screen. It's okay. It's like a team, you know. Okay, do it full screen. No problem. हेलो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडियोज एंग्रेव. शाम के 6 बज चुके हैं और हम लोग एक बार फिर से लाइव हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइव सेशन के साथ. तो कौन कौन लाइव आ चुका है जल्दी से मुझे रिस्पॉन्ड करें. आज हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइव सेशन होने वाला है. तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं भाई, हमारी जो टीम है शानदार सी टीम आप देख सकते हैं अनअकैडमी स्टूडियोज एंग्रेव पर. हमारी जो टीम आपके लिए लगातार मेहनत कर रही है और आप भी हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं कि इस क्रांति को हम आगे बढ़ाएंगे. क्योंकि जब तक हमें आपका योगदान नहीं मिलेगा जब तक ये क्रांति आगे नहीं बढ़ सकती. आप देख सकते हैं समय के साथ हम लोग इसमें नए नए एजुकेटर्स को जोड़ते जा रहे हैं. आप देख सकते हैं उमाकांत शर्मा सर हैं, मैं हूं, पवन राव सर हैं, उसके अलावा नेहा मलिक मैम नई जुड़ी हैं इंग्लिश में. आप देख सकते हैं संदीप रावत साहब, अभिषेक सिरोहा साहब जो कि आपके जीएस में साइंस के सेक्शन के लिए बहुत ही बड़े और काफ़ी इंपॉर्टेंट फैकल्टी हैं, विक्रमजीत सिंह सर, विक्रमजीत चौधरी सर और सुनील बडोनी सर. आप देख सकते हैं ये सारे के सारे लोग अपने अपने क्षेत्रों के बड़े बड़े दिग्गज हैं और इन लोगों को किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं. तो भाई सबसे पहले तो मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि वैसे तो हमारा सेशन रात 9 बजे होता है लेकिन कुछ कारणवश अभी कुछ दिन जो है बेटा मेरा सेशन शाम को 6 बजे भी हो रहा है. आने वाले समय में यह रात 9 बजे ही होगा तो टेंशन ना लीजिएगा, अपने समय से आइएगा. रात 9 बजे आपको हमेशा मैं लाइव मिलूंगा. ठीक है बच्चों, तो कौन कौन लाइव आ चुका है जल्दी जल्दी मुझे बताइए फटाफट. आदर्श यादव आ चुके हैं, अमन कुमार हैं, सिद्धार्थ सिंह हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास में फटाफट. अब आप देखिए बेटा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले समय में सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें. हम आपके लिए इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं तो हम भी चाहते हैं कि आपको सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन समय के साथ मिलता रहे. और फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और याद रखिएगा बेल आइकन को दबाना मत भूलें. ठीक है बच्चों, इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारी टीम से तो आप मिल ही चुके हैं. इसके अलावा आप देख सकते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है. भाई आज का हमारा टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका नाम है इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, भारत का स्वतंत्रता संग्राम. बेटा बच्चे मुझसे बहुत बार इस टॉपिक की मांग करते आए हैं कि सर इस बारे में बताइए. तो मैं आज आप लोग को भारत का पूरा जो फ्रीडम स्ट्रगल है शुरुआत से लेकर अंत तक कैसे हुआ वो सारी चीज़ें इस टॉपिक में बताऊंगा. सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में बता दूं, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम कासिफ अंसारी है और मैं पिछले 10 सालों से टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ एसएससी सीजीएल के अलावा मैं बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कराता हूं और मैं पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूं. आपको मालूम है कि मैंने मेंटर किए हैं बेटा लाखों स्टूडेंट्स को और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को एसएससी के बड़े बड़े पोस्टों पर सेलेक्ट करवाया है. आप भारत के किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं आपको हमारे पढ़ाए हुए बच्चे ज़रूर मिल जाएंगे. इसके अलावा बच्चों मैंने बहुत सारे खुद भी गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर किए हुए हैं. ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं ये मेरे बारे में है, आप जानते ही हैं. आगे बढ़ते हैं तो बेटा हमने आप लोगों के लिए बहुत सारी और चीज़ें लाई हैं, जैसे कि हमने आपके लिए टेलीग्राम पे चैनल बना रखा है. तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है और इस चैनल के साथ जुड़ना है ताकि आने वाले सभी वीडियोस, लेटेस्ट अपडेट्स गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में क्या क्या हैं वो आपको मालूम चल जाए. तो आप एसएससी एंग्रेव चैनल जो है टेलीग्राम ऐप पर हमसे जुड़ सकते हैं. इसके अलावा अब आपको क्या करना है, इसके अलावा बच्चों आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप, ये जो ऐप है ना बच्चों ये कहते हैं ये मैंडेटरी ऐप हो गई है आजकल आपके मोबाइल में. जैसे कि आप लोग जो है पेटीएम को अपने मोबाइल में रखते हैं तो बेटा अनअकैडमी लर्निंग ऐप एक स्टूडेंट के लिए जो भारत में एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए मैंडेटरी ऐप है. आपको इसे डाउनलोड करके रखना ही होगा ताकि आपको यहां पर बहुत सारी चीज़ें मिल सकें. आप देखेंगे कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाएंगे तो आपको बेटा मिलियंस ऑफ वीडियोस जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी. उन बच्चों के लिए हैं जो कि फ्री में, जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो पढ़ाई कर सकें, तो हम लोगों ने वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए बहुत सारी चीज़ें रख रखी हैं.
इसके अलावा आपकी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आपको पेड क्लासेस भी मिलेंगी, जो कि आप जानते हैं कि अनअकैडमी प्लस के नाम से चलती हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अनअकैडमी जब लैब पे जाएंगे तो आपसे पूछेगा कि आपका एम क्या है एग्जाम का, तो आप कहेंगे भाई हमारा एम जो है एसएससी एग्जाम से। वैसे मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी जो है 30 से ज़्यादा कैटेगरीज में जो है आपको एग्जाम की तैयारी करवाता है, तो बहुत सारी ऐप बहुत सारी चीज़ें हैं। अब अनअकैडमी जो प्लस है, अनअकैडमी प्लस जो है बेटा मैं आपको बता दूं ये क्या है, ये एक पेड प्लेटफॉर्म है। ये क्या है बच्चों, एक पेड प्लेटफॉर्म है। और पेड प्लेटफॉर्म पे क्यों है, क्योंकि बच्चों ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पर्सनलाइज तैयारी करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनको जो है सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ साथ गाइडेंस भी मिले, उनको जो है मॉक टेस्ट भी मिले, वो अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट भी कर पाएं और देखें कि उनकी परफॉर्मेंस बाकियों के कंपैरिजन में कैसी चल रही है। इसके लिए बेटा हमारा जो है अनअकैडमी प्लस है, जो कि पेड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर फ़ायदा क्या है कि आप जो हैं अपने फेवरेट टीचर से पढ़ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, कहते हैं ना बेटा कि यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन, आप सबको खुश नहीं कर सकते। इसलिए जो है यहाँ पर एक ऑप्शन है कि आप अपने फेवरेट टीचर से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना है और सारे एक्सेस खुल जाएंगे आपका, तो आप जिससे चाहें उससे पढ़ सकते हैं। डेडिकेटेड डाउट सेशंस बेटा आपको मिलेंगे, एक नहीं बहुत सारे डाउट सेशन मिलेंगे। वन सब्सक्रिप्शन, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल एजुकेटर्स, एक सब्सक्रिप्शन लेना है और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। रियल टाइम इंटरेक्शन होता है, क्यों, क्योंकि बेटा सारी क्लासेस लाइव होती हैं, उसके बाद आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू को देख के बनाया गया है कि भाई एक बच्चे के पास इंटरनेट जो होता है वो लिमिटेड होता है, और बाकी जगहों पर क्या होता है कि आपको जितनी बार क्लासेस देखनी है आपको अपना इंटरनेट खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। आप जो है वीडियोस को डाउनलोड करके बाद में ऑफलाइन भी देख सकते हैं, ताकि आपको बार बार जितनी बार चाहें उतनी बार वीडियोज़ देखें और आपको अपना इंटरनेट पैक खर्चा ना करना पड़े। इसके अलावा आप देख सकते हैं अनअकैडमी प्लस पर बच्चों आपको टेस्ट सीरीज भी हैं, उसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस हैं, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, आप जानते ही हैं, इनमें से किसी के भी नाम बताने की ज़रूरत नहीं। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे भरमार हैं, हमने जो है आपके लिए एक से बढ़कर एक दिग्गज अनअकैडमी प्लस पर रख रखा है, तो आप इनसे पढ़ सकते हैं जब चाहें, ठीक है। इसके बाद आपको कोर्स ख़रीदना है, मान लीजिए तो आपसे पूछेगा कि एक महीने का सब्सक्रिप्शन चाहिए, 3 महीने का चाहिए, 6 महीने का चाहिए, 12 महीने का या 24 महीने का। तो फैक्ट बताऊं, 1, 3 और 6 तो बेटा काफ़ी छोटा है, इसको अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको बहुत तेज़ी से बहुत स्पीड में पढ़ना पड़ेगा, इतनी स्पीड आप करेंगे नहीं। तो अच्छे सब्सक्रिप्शन क्या हैं, 12 महीने वाले और 24 महीने वाले। देखो बच्चों, 24 महीने वाला उन लोगों के लिए जो लोग अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हैं, उनको 24 वाला लेना चाहिए। लेकिन सबसे अच्छा सब्सक्रिप्शन जो है वो 12 महीने का है, 500 रुपये के हिसाब से आप देख सकते हैं, 12 × 500 करेंगे तो आप देखेंगे कि 6000 रुपये फीस आएगी। तो आप एक साल तक अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे 6000 रुपये में पढ़ सकते हैं, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। आपको एक कोड इस्तेमाल करना है, QA बोले तो कासिफ अंसारी लाइव, और जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करेंगे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और फीस आपकी 6000 से कम होकर 5400 रुपए हो जाएगी। और मैं बता दूं कि मेरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स स्टार्ट हो रहा है 9 दिसंबर से, तो बेटा बिल्कुल भी देरी ना करें, आप इस कोड का इस्तेमाल करके अपनी फीस भी कम करवा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप देख सकते हैं इस कोड का इस्तेमाल करना है 12 महीने में और 24 महीने में किस तरह से आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। चलिए अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। तो भैया सब लोग तैयार हैं, जल्दी बता दीजिए, जल्दी बताइए इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल सब लोग तैयार हैं कि नहीं है। भारत का स्वतंत्रता संग्राम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं रात में 9 बजे क्लास लेता हूं, लेकिन इस हफ्ते जो है क्लासेस कुछ दिन जो हैं आपकी शाम को 6 बजे भी हो रही हैं, वापस से रात 9 बजे ही क्लास हुआ करेंगी, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है बच्चों, अगले हफ्ते से। अब बात आती है कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम। देखो बच्चों, इस टॉपिक में मैं क्या करूंगा, मैं आपको पूरा इतिहास बता डालूंगा, 1857 से लेकर 1947 के बीच जो पूरा इतिहास है हमारे भारत का वो मैं आपको बता डालूंगा। यहां पर 1857 से लेकर के 1947, ये बेटा हमारे देश का स्वतंत्रता संग्राम है, कितने साल का, 90 इयर्स का हमारा जो है स्वतंत्रता संग्राम है। तो इस 90 साल के स्वतंत्रता संग्राम में क्या हुआ बेटा, बहुत सारी घटनाएं हुई,
और उन घटनाओं को हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ना पड़ेगा, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इस घटना को हम लोग क्या करेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल जो है 1857 से लेकर 1947 के बीच, मतलब बच्चों क्या है कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम जो है वो कितने हैं, 90 ईयर्स का स्वतंत्रता संग्राम है। तो 90 साल के इतिहास में क्या क्या चीजें हुई वो आज हम यहां पर समझने वाले हैं। तो बेटा सबसे पहले तो 1857 में सबसे पहली चीज हुई, क्या हुआ, सबसे पहली चीज इंडियास फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। अब प्रश्न ये आता है कि जो 1857 की क्रांति थी ये किसने की थी। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि 1857 की क्रांति जो है एक सैनिक ने की थी जिसका नाम था मंगल पांडे। अब देखो इसमें दो तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं, हालांकि ये टॉपिक मैं आपको आगे एक पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा क्योंकि अपने आप में एक टॉपिक भी है। 1857 की क्रांति आपको मालूम है भाई मंगल पांडे, कहां पे क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो मैं आपको बता दूं इस क्रांति की शुरुआत जो है वो बैरकपुर में हुई थी। 1857 में क्रांति की शुरुआत जो है वो बैरकपुर में की गई थी, याद रहिएगा 1857 की क्रांति सबसे पहली चीज। 1857 की क्रांति मंगल पांडे ने की थी। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि मंगल पांडे साहब कौन सी रेजिमेंट के सिपाही थे, तो याद रखिएगा कि मंगल पांडे साहब जो हैं वो 34वीं रेजिमेंट के सिपाही हुआ करते थे। किसकी, 34वीं रेजिमेंट, 34th रेजिमेंट के सिपाही थे मंगल पांडे साहब, याद रखिएगा। अच्छा हमने जो है बच्चों याद रखिएगा, हमने इसे स्वतंत्रता का पहला संग्राम कहा, कहते हैं ये हमारे लिए आजादी की पहली लड़ाई थी। हालांकि अंग्रेजों ने कहा ये कुछ नहीं, ये कोई रिवोल्ट ऑफ 1857 नहीं है, अंग्रेजों के हिसाब से कुछ नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ जो है ये एक म्यूटिनी ऑफ सिपॉयज है। अंग्रेजों ने कहा यह कुछ नहीं, ये बच्चों सिपाहियों का एक छोटा सा विद्रोह है, इट इज द म्यूटिनी ऑफ सिपॉयज। तो अंग्रेजों के हिसाब से बेटा ये क्रांति नहीं, ये सिपाहियों का एक विद्रोह था। इसके बाद आपको मालूम है कि 1857 की क्रांति में क्या हुआ कि 1857 की क्रांति में बहुत खून खराबा हुआ और मंगल पांडे साहब को फांसी भी दे दी गई। हालांकि इससे नाराज होकर के ब्रिटिश क्वीन ने एक कानून पास करवाया 1858 में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया 1858 में। तो 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया था इसके तहत क्या हुआ था, तो मैं आपको बता दूं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में पास हुआ था इसमें दो चीजें हुई थी। याद रखिएगा कि रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड, तो याद रखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत में शासन था वो खत्म हो गया था। तो रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया था और ब्रिटिश क्राउन ने शासन जो है वो अपने हाथों में ले लिया था। सो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन खत्म हुआ और ब्रिटिश क्राउन ने शासन अपने हाथ में ले लिया। इसके साथ साथ क्या हुआ था बच्चों, तो याद रखिएगा पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंडेड, भारत के गवर्नर जनरल का पद जो है वो क्या हो गया था, खाली हो गया था और इसके जगह पर पोस्ट ऑफ द वाइस रॉय ऑफ इंडिया स्टार्टेड। तो भारत के गवर्नर जनरल का पद खत्म हो गया और पोस्ट ऑफ वाइस रॉय ऑफ इंडिया स्टार्टेड। और इस तरह से आपको मालूम होना चाहिए कि उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, वो लॉर्ड कैनिंग थे। तो वो पद खत्म हो गया था और वाइस रॉय ऑफ इंडिया का पद शुरू हुआ। तो पूछा जाता है कि भारत के आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे, सो आखिरी गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। अब क्वेश्चन आता है कि भारत के पहले वाइसरॉय कौन थे, तो भारत के पहले वाइसरॉय भी लॉर्ड कैनिंग थे। तो आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। भाई क्लियर है तो कम से कम लाइक बटन जरूर दबाते चलिए। आपको मालूम है कि भाई कासिफ सर की एक ही मांग रहती है कि अगर क्लास अच्छी चल रही है तो लाइक बटन दबाते चलिए, खराब चल रही है तो डिसलाइक भी दबाइए, लेकिन हमें जरूर बताइए कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लगती हैं। तो 1857 की क्रांति ये इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल की एक काफी बड़ा
हादसा है, ठीक है बच्चों। इसके बाद इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में अगला हादसा होता है 1872 में। 1872 में क्या होता है कि भारत के एक वाइसरॉय थे जिनका नाम था लॉर्ड मायो, याद रखिएगा। भारत के बच्चों एक वाइसरॉय थे जिनका नाम था लॉर्ड मायो। 1872 में ये लॉर्ड मायो नाम के एक वाइसरॉय हुआ करते थे और ये अंडमान निकोबार गए हुए थे। आपको मालूम है कि अंडमान निकोबार में अंग्रेजों की एक बहुत ही फेमस जेल थी जिसे बेटा हम सेल्यूलर जेल कहते हैं, बहुत ही फेमस। काला पानी की सजा आपने सुनी होगी, तो काला पानी की जो सजा होती है वो यहीं पर दी जाती थी। और होता क्या है कि यहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था शेर आफरीदी। इसका नाम था बच्चों शेर आफरीदी, ये एक पठान था जिसका नाम था शेर आफरीदी और ये जेल से भाग गया था। और लॉर्ड मायो जो है इसे मिल गए और इसने क्या किया कि लॉर्ड मायो की हत्या कर दी थी। तो याद रखिएगा, ही किल्ड लॉर्ड मायो। तो लॉर्ड मायो की इसने क्या किया था, लॉर्ड मायो की इसने हत्या की थी। और याद रखिएगा कि इसी वजह से ये पहले वाइसरॉय हैं इतिहास में जिनकी हत्या की गई थी। बेटा ये बहुत बड़ी घटना है, एक ब्रिटिश वाइसरॉय की हत्या हो जाना। उस जमाने में ब्रिटिश वाइसरॉय की हत्या होने का सिंपल मतलब है कि जैसे आज की तारीख में भारत के राष्ट्रपति की हत्या कर देना, तो ये बेटा बहुत बड़ा मैटर था। ये बिल्कुल भी छोटा मैटर नहीं था कि लॉर्ड मायो भारत के पहले वाइसरॉय हैं जिनकी हत्या की गई थी 1872 में। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है हमारे देश का, ठीक है बच्चों, फ्रीडम स्ट्रगल में। फ्रीडम स्ट्रगल में अगला पॉइंट आता है 1885 में। 1885 में बच्चों क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि 1885 में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो याद रखिएगा बाय मिस्टर ए ओ ह्यूम ने जो है क्या किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी 1885 में। 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई तो पूछा जाता है कहां पर हुई थी, तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में की गई थी। तो बेटा इसकी स्थापना संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में की गई थी, याद रखिएगा। और उस समय जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स थे वो सिर्फ और सिर्फ जो हैं 72 मेंबर्स के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब स्थापना एओ ह्यूम ने की थी तो उस समय भारत का वाइसरॉय कौन था, तो याद रखिएगा उस समय भारत के वाइसरॉय हुआ करते थे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जो है उस समय भारत के वाइसरॉय हुआ करते थे। एक तो ये क्वेश्चन बनता है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस बच्चों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडियन नेशनल कांग्रेस से कई क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के कई क्वेश्चंस बेटा जो हैं आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप लोग को समझ में आता जा रहा है तो भैया रिस्पॉन्ड करते रहिए, मैं आपके जवाबों का इंतजार कर रहा हूं, ठीक है बच्चों, फटाफट एक सेकंड, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से अब क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था। तो देखो बच्चों, जब भी बात आती है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC, तो याद रखिएगा मिस्टर डब्ल्यू सी बैनर्जी जो हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे पहले अध्यक्ष थे श्री वोमेश चंद्र बैनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे। हालांकि मैं आपको बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस की सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, टेंशन ना लीजिएगा। कि पूछा गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था, तो याद रखिएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी। सो बदरुद्दीन तैयब जी जो हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे 1887 में मद्रास में, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट
ब्रिटिश प्रेसिडेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे सर जॉर्ज यूल। सर जॉर्ज यूल जो हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंट थे। पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? वो थे बेटा सर जॉर्ज यूल, जो कि 1888 में पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट थे। सो पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंट थे सर जॉर्ज यूल। अब आपसे पूछा जाए कि पहले प्रेसिडेंट, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट, फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट, उसके बाद आपसे पूछा जाए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो याद रखिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे बच्चों मौलाना आजाद। ये सारे क्वेश्चंस आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम्स में पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं। तो याद रखिएगा, पहले प्रेसिडेंट वोमेश चंद्र बैनर्जी, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी, पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंट सर जॉर्ज यूल, पहले यंगेस्ट प्रेसिडेंट मौलाना आजाद। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जो आपको याद रखने हैं। हालांकि मैंने आपको बताया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अपने आप में और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो भी मैं आपको आने वाले टॉपिक्स में बताता रहूंगा। ठीक है, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। जैसे कि पूछा जाए कि स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, कौन सा इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऐसा सेशन था जहां पर कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था? तो याद रखिएगा, 1907 में सूरत में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन का स्प्लिट हुआ था। तो स्प्लिट कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। आपसे पूछा जाए कि रीयूनियन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का रीयूनियन कब हुआ था, कांग्रेस वापस से कब एक हुई थी? तो याद रखिएगा, रीयूनियन ऑफ कांग्रेस जो है वो 1916 में लखनऊ में हुआ था। तो 1907 में सूरत में स्प्लिट हुआ था। यहां पर दो दल बने थे, आपको मालूम होना चाहिए। एक था बच्चों नरम दल, एक था गरम दल। ये सारी चीजें आपको आने वाले क्लासेस में बताता रहूंगा। तो अभी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ इतने ही फैक्ट्स आप याद रखिए, आने वाले समय में आपको और भी चीजें बताएंगे। तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है बच्चों, इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल में, इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल में आगे बढ़ते हैं। तो 1885 के बाद आगे कहानी जाती है 1899 में। तो याद रखिएगा, 1899 में क्या हुआ? 1899 में ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया डाइड। सो उस समय क्या हुआ कि अंग्रेजों की रानी जो थी ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया, उनकी मौत हो गई 1899 में। सो 1899 में ब्रिटिश क्वीन जो विक्टोरिया हैं, क्वीन विक्टोरिया, उनकी मौत हो जाती है। और उनके मरने के बाद उनकी याद में भारत में वाइसरॉय हुआ करते थे लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, इनकी याद में कलकत्ता में बहुत ही प्रसिद्ध जिसे हम कहते हैं विक्टोरिया मेमोरियल, कलकत्ता में बहुत ही प्रसिद्ध जो विक्टोरिया मेमोरियल है वो इन्हीं की याद में 1901 में लॉर्ड कर्जन ने बनवाया था। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया डाइड, उनकी मौत हो गई। 1896 में एक पॉइंट बताना भूल गया आपको, तो याद रखिएगा 1896 में वंदे मातरम, जो कि हमारा देश का राष्ट्रीय सॉन्ग है, नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, वंदे मातरम जो हमारे देश का नेशनल सॉन्ग है, जिसको किसने गाया था, जिसको लिखा था श्री बंकिम चंद्र चैटर्जी ने। और बंकिम चंद्र चैटर्जी साहब ने जो ये वंदे मातरम लिखा था, इसको सबसे पहली बार 1896 में कैलकटा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में गाया गया था। तो याद रखिएगा, कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में वंदे मातरम को सबसे पहली बार 1896 में गाया गया था, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको मालूम है कि 1905 में एक बहुत बड़ी घटना हुई। 1905 में क्या हुआ बच्चों? तो याद रखिएगा कि 1905 में दुनिया में एक बहुत बड़ी घटना हुई भारत में, जिसे कहते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब होता क्या था कि बंगाल जो है बेटा वो बहुत बड़ा क्षेत्र था, और बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र होने के वजह से क्या होता है कि बंगाल जो है क्षेत्र बहुत बड़ा था, और होता क्या है कि भारत में अंग्रेज क्या करते थे, भारत की यूनिटी तोड़ने की कोशिश करते थे। तो बंगाल बहुत बड़ा था और अंग्रेजों को क्या करना था कि बंगाल में यूनिटी को खत्म करना था। उस समय का बंगाल का मतलब वेस्ट बंगाल नहीं होता था, उस समय बंगाल का मतलब है कि इसमें वेस्ट बंगाल पूरा था, कुछ हिस्सा जो है बिहार का होता था, कुछ हिस्सा उड़ीसा का होता था, पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया आता था, पूरा बांग्लादेश आता था।
तो ये सब मिलाकर बंगाल बनता था। और लॉर्ड कर्जन ने जो है वो क्या किया, 16 अक्टूबर 1905 को ये बहुत बड़ी घटना हुई जिसे हम कहते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन, याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905। एग्जाम में पूछा जाता है किसने किया था, सो एक ब्रिटिश वाइसरॉय थे जिनका नाम था लॉर्ड कर्जन, उन्होंने जो है बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को कराया था। याद रखिएगा बंगाल का विभाजन दो भागों में हुआ था, पहला था बंगाल प्रॉपर, पहला था बच्चों जिसे हम कहते हैं बंगाल प्रॉपर, और दूसरा होता है ईस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल एंड आसाम। तो सबसे पहले नंबर पे आता है बंगाल प्रॉपर और दूसरे नंबर पे आता है ईस्ट बंगाल एंड आसाम। अब बंगाल प्रॉपर में क्या आता था, इसमें आता था वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा का हिस्सा, ईस्ट बंगाल में आता था बांग्लादेश का हिस्सा, और आसाम का मतलब होता था पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, दैट वॉज कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ आसाम। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको क्लियर है, जल्दी बताइए यहां तक सबको क्लियर हो गया। अजीत कुमार जल्दी बताइए, राहुल कुमार यहां तक सबको क्लियर है, तो क्लियर है तो भाई साहब लाइक बटन दबाते चलिए और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मुझे बड़ी शिकायत है आप लोग सेशन शेयर नहीं करते हैं, भाई जब तक आप सेशन शेयर नहीं करेंगे जब तक हमारा कारवां आगे कैसे बढ़ेगा। आपको मालूम है कि हमने जो ये आग लगाई है बेटा, ये जो क्रांति हमने शुरू की है, इस क्रांति को आप ही को बढ़ाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और मैंने आपको बताया ना कि अनअकैडमी का नारा है कि लेट्स क्रैक इट, तो इसे हम क्रैक करके रहेंगे बेटा। तो क्रैक करना है तो एग्जाम को क्रैक कब होगा, जब एग्जाम के कंसेप्ट क्रैक होंगे। जब तक कंसेप्ट क्रैक नहीं होंगे जब तक आपका एग्जाम भी क्रैक नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो याद रखिएगा बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905। इसके बाद आगे बात आती है 1907 में। 1907 में क्या हुआ, आपको मालूम है कि कांग्रेस का विभाजन हुआ 1907 में। बच्चों क्या होता है कि स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ कहां पर बच्चों, तो याद रखिएगा सूरत में हुआ था। सूरत कहां है, गुजरात में है। और हुआ यह था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद, अच्छा इससे पहले एक चीज आपको मैं मुझे बतानी पड़ेगी बच्चों, एक सेकंड रुक जाइए, इससे पहले आपको एक चीज बतानी बहुत जरूरी है कि जब बंगाल का विभाजन हुआ तो कुछ लोग जो हैं बेटा वो क्या हुआ, बहुत नाराज हो गए। उनको लगा कि बंगाल का विभाजन हुआ और कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है, उन्हें लगा कि भाई ये गलत बात है, और उन्होंने कहा कि अब हिंसा का ही हमें रास्ता अपनाना पड़ेगा। और इस चक्कर में बंगाल के विभाजन के बाद 1905 में भारत में एक मूवमेंट की शुरुआत होती है, भारत में एक मूवमेंट की शुरुआत होती है 1905 में, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत होती है 1905 में। इस मूवमेंट को तीन लोगों ने किया था, जिसे हम कहते हैं लाल, बाल एंड पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्रपाल। तो लाल, बाल एंड पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल, इन तीनों लोग ने मिलकर के क्या किया 1905 में, स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत की। अब स्वदेशी मूवमेंट में इन्होंने कहा कि भैया हम जो हैं आज़ादी का रास्ता अब खुद निकाल लेंगे और हमें जो है कांग्रेस की कोई खास ज़रूरत नहीं है। इससे क्या हुआ कि कांग्रेस में भी दरारें पड़ने लगीं और कांग्रेस की विचारधारा दो भागों में टूटी 1907 में। कांग्रेस में क्या हुआ, तो आपको मालूम है कि 1907 में स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का विभाजन हुआ। कांग्रेस का विभाजन कहां हुआ बच्चों, तो आपको मालूम होना चाहिए कांग्रेस का विभाजन सूरत में हुआ था 1907 में, जहां पर अध्यक्ष हुआ करते थे रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष जहां पर जो है अध्यक्ष हुआ करते थे। अब याद रखिएगा कांग्रेस का विभाजन दो भागों में हुआ था, पहला था नरम दल जिसे हम कहते हैं मॉडरेट्स, जिन्हें हम उदारवादी भी कहते हैं, दूसरे हैं एक्सट्रीमिस्ट जिसे हम कहते हैं आतंकवादी, या आप कह सकते हैं गरम दल, ठीक है बेटा। तो पहले नंबर पे थे मॉडरेट्स जो कि कहते हैं इन्हें उदारवादी कहा जाता था, और एक्सट्रीमिस्ट जिन्हें कहते थे हम उग्रवादी, ठीक है बच्चों। मॉडरेट्स के एग्जाम में पूछा जाता है कि लीडर कौन थे, तो मैं आपको बता दूं कि मॉडरेट्स के लीडर हुआ करते थे श्री गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो मॉडरेट्स के लीडर थे। एक्सट्रीमिस्ट के लीडर कौन थे,
तो एक्सट्रीमिस्ट के लीडर हुआ करते थे बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक जिन्हें आप कहते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो मॉडरेट्स के लीडर थे और बाल गंगाधर तिलक जो थे वो एक्सट्रीमिस्ट के लीडर हुआ करते थे। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले का बहुत अहम योगदान है। गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है ही वॉज कंसिडर्ड एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। ये जो है बेटा कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, मॉडरेट्स के जो लीडर थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। अच्छा, 1907 में कांग्रेस का विभाजन होने से पहले एक घटना और बहुत बड़ी हुई। हुआ यह था कि अंग्रेज जो थे बड़े बदमाश थे, उन्होंने देखा कि हिंदू मुसलमानों में यूनिटी हमें तोड़नी पड़ेगी और उन्होंने मुसलमानों के कुछ लीडर्स होते थे उनको अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि देखिए साहब, हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं लेकिन ये अंग्रेज जो है ना, अरे ये जो हिंदू लोग हैं ये आपकी इज्जत नहीं करते हैं, आपके योगदानों को नकारा जा रहा है और जब देश आज़ाद होगा तो आप लोग को लात मार के भगा दिया जाएगा। इससे क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने मुस्लिम लीडर्स के अंदर इनसिक्योरिटी को पैदा किया, मुस्लिम लीडर्स के अंदर अंग्रेज़ों ने इनसिक्योरिटी को पैदा किया और इससे नाराज़ होकर क्या हुआ कि मुस्लिम लीडर्स हुआ करते थे जिनका नाम था आगा खान और समी उल्ला खान। आगा खान और समी उल्ला खान ने 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हुआ 1906 में, कहाँ पर हुआ, ढाका शहर जो कि बांग्लादेश की राजधानी है वहां पर हुआ। ये भी एसएससी सीजीएल का बच्चों क्वेश्चन है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हुआ कहां पर हुआ, ढाका शहर में हुआ। दो लोगों ने किया था, याद रखिएगा, बाय आगा खान एंड समी उल्ला खान। तो याद रखिएगा कि आगा खान और समी उल्ला खान साहब ये दो लोगों ने मिल करके ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया था। सो आगा खान और समी उल्ला खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया कहाँ पर, ढाका में। सो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन, ये बहुत बड़ी घटना थी। सच बता रहा हूँ कि अंग्रेज़ों को सफलता भी मिली, अंदर ही अंदर हंस रहे थे क्योंकि अब हो क्या रहा था कि हिंदू अलग और मुसलमान अलग, और अंग्रेज चाहते ही थे ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं, इससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। अब अंग्रेज़ों ने देखा कि हिंदू मुसलमान अलग तो हो ही रहे, उन्होंने कहा इस मौके का थोड़ा और फ़ायदा उठाते हैं। कहते हैं ना कि आग में थोड़ी सी घी और डाल देते हैं। अंग्रेज़ों के एक गवर्नर, एक वाइसरॉय हुआ करते थे जिनका नाम था लॉर्ड मिंटो और उनका एक एडवाइज़र हुआ करता था जिसका नाम था मार्ले। तो एक कानून पास किया गया जिसे कहा जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट, याद रखिएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट नाम का कानून पास किया गया 1909 में, जिसे बहुत ही फेमसली हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग बहुत ही फेमसली मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स नाम का कानून पास किया गया 1909 में और इसके तहत अंग्रेज़ों ने क्या किया कि भारत में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात करी और अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को विशेष आरक्षण दिया। अंग्रेज़ों ने आरक्षण मुसलमानों को इसलिए दिया ताकि हिंदू और मुसलमानों में और भिड़ंत हो और उनको बहुत फ़ायदा हो रहा था तो मुसलमानों को उन्होंने आरक्षण दिया। कहते हैं ना कि दो लोगों के बीच शासन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि बेटा एक को पुचकारो और एक को धुतकारो, वो दोनों आपस में खुद ही लड़ लेंगे एक दूसरे से। तो अंग्रेज़ों ने भी यही किया कि एक को पुचकारा और एक को धुतकारा और मुसलमानों को विशेष आरक्षण दिया गया मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत, याद रखिएगा। अब होता यह है कि 1909 के बाद कहानी आगे बढ़ती है 1911 में। 1911 में क्या हुआ कि बच्चा भारत में जो है एक नए अंग्रेजों के राजा बने थे जिनका नाम था किंग जॉर्ज फाइव, और किंग जॉर्ज फाइव जो हैं क्वीन विक्टोरिया के बेटे थे और किंग जॉर्ज फाइव ने कहा कि मेरा जो राज्य अभिषेक है वो भारत में होना चाहिए। उन्होंने भारत आने की इच्छा जताई तो 1911 में उनका राज्य अभिषेक जो है वो भारत में किया गया। राज्य अभिषेक उनका कहाँ हुआ, भारत में हुआ 1911 में। और यहाँ पर क्या हुआ कि जब उनको खबर मिली कि बंगाल के विभाजन को लेकर बड़ा हंगामा चल रहा है तो उन्होंने कहा एक काम करो कि बंगाल का विभाजन कैंसिल कर दो। तो याद रखिएगा 1911 में क्या किया गया, पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज कैंसल्ड। तो बंगाल का विभाजन जो है
वो क्या किया गया, कैंसल कर दिया गया। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज कैंसल्ड, याद रखिएगा, 1911 में बंगाल का विभाजन जो 1905 में किया गया था, ये 1911 में खत्म हो गया। इससे क्या होता है कि कुछ लोगों को भारत में लग रहा था ये बहुत बड़ी जीत है और हम अंग्रेजों को दबा सकते हैं, तो बंगाल का विभाजन 1911 में कैंसल हुआ। इसके बाद क्या होता है कि अंग्रेजों ने कहा कि अब बंगाल में रहना ठीक नहीं है, क्योंकि बड़ी बेइज्जती हो चुकी है पहले ही, अब तो वाली बात हो जाएगी, बंगाल में रहने का मतलब है कि भैया हम वापस से जो है उनसे हार मान गए। तो अंग्रेजों ने कहा चलो भैया बोरिया बिस्तर समेटो, और कैपिटल ऑफ इंडिया वॉज शिफ्टेड, याद रखिएगा, कैपिटल ऑफ इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी गई 1911 में। तो फाइनली 1911 में राजधानी जो है वो कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की गई। उस समय ब्रिटिश वाइसरॉय हुआ करते थे लॉर्ड कैनिंग साहब, और लॉर्ड कैनिंग के समय में ही जो राजधानी है 1911 में शिफ्ट हो गई। अब हुआ ये कि जब दिल्ली राजधानी शिफ्ट हुई तो लॉर्ड हार्डिंगे साहब एक ओपन जीप में बैठ करके दिल्ली की जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे कि हाँ भाई हमारा स्वागत करो। और एक क्रांतिकारी हुआ करते थे, उनका नाम था रास बिहारी बोस, उन्होंने बेटा इनके ऊपर बम फेंक दिया। हालांकि बताऊं मैं आपको, ये बाल बाल बच तो गए, लेकिन बेटा इनकी कहानी हो जाती सेट। तो हुआ ये कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रास बिहारी बोस नाम के एक व्यक्ति थे, और रास बिहारी बोस ने इनके ऊपर बम फेंक दिया था 1912 में। किसके ऊपर फेंका था? लॉर्ड हार्डिंगे कौन थे? ब्रिटिश वाइसरॉय थे। लॉर्ड हार्डिंगे के ऊपर फेंका गया बम, लॉर्ड हार्डिंगे के ऊपर बम फेंका गया 1912 में। और इस चक्कर में इस केस को बहुत ही फेमस, याद रखिएगा, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जाना गया। इस केस को हम क्या कहते हैं? दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। सो दिल्ली का बहुत ही प्रसिद्ध कॉन्स्पिरेसी केस 1912 में रास बिहारी बोस। याद रखिएगा बच्चों, दो कॉन्स्पिरेसी हुई थी, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी 1912 में और लाहौर कॉन्स्पिरेसी 1928 में। सो दिल्ली कॉन्स्पिरेसी और लाहौर कॉन्स्पिरेसी दोनों आपको याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? और लो बच्चों, अब हो गई कहानी खत्म। 9 जनवरी 1915 का दिन था, 9 जनवरी 1915 का दिन था, और हमारे गांधी जी सारे भारतीयों के साथ जो हैं साउथ अफ्रीका से रिटर्न हो गए। तो याद रखिएगा, गांधी जी रिटर्न्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो गांधी जी रिटर्न्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे सारे पटेल भाइयों के साथ। और इसीलिए याद रखिएगा, गांधी जी रिटर्न्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौट आए थे। एक और चीज पूछी जाती है कि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को जो लौटे थे किसके कहने पर आए थे? याद रखिएगा, पहली चीज मैं आपको बता दूं कि गांधी जी 9 जनवरी को आए थे, इसीलिए 9 जनवरी बच्चों हमारे देश में हमेशा जो है NRI डे के रूप से बनाया जाता है। NRI डे कौन सा होता है? 9 जनवरी, क्योंकि गांधी जी लौटे थे। इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा, गांधी जी दो लोगों के कहने पर लौटे थे। नंबर वन, श्री गोपाल कृष्ण गोखले। तो सबसे पहले व्यक्ति थे गोपाल कृष्ण गोखले, और दूसरे नंबर पे थे चार्ल्स फ्रीरर एंड्रूज। ये एक अंग्रेज थे लेकिन गांधी जी इन्हें बहुत मानते थे, चार्ल्स फ्रीरर एंड्रूज। इनके नाम पर आपने देखा होगा दिल्ली में बहुत ही मशहूर एंड्रूज गंज है, तो इन्हीं के नाम पर है, चार्ल्स फ्रीरर एंड्रूज। ठीक है बच्चों, तो इन दो लोगों के कहने पर गांधी जी भारत लौट आए थे। अब याद रखिएगा, गांधी जी भारत तो लौट आए लेकिन भारत के बारे में कुछ नहीं जानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने उनसे कहा कि जनवरी चल रहा है, दिसंबर आने में अभी 11 महीने हैं, तुम्हारा एक काम है कि इस 11 महीने में तुम पूरे भारत का टूर लगाओ। कहते हैं कि गांधी जी ने नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, ट्रेन से लेकर, बस से लेकर, पैदल, बैलगाड़ी, साइकिल, हर तरह से उन्होंने पूरे भारत का चक्कर लगाया। कहते हैं ना, भारत दर्शन किया, इन ऑर्डर टू फील द पल्स ऑफ द नेशन, देश का पल्स फील करने के लिए उन्होंने क्या किया कि पूरे भारत का एक चक्कर लगाया। और इसके बाद उन्होंने कहा कि तुम आगे कुछ कर सकते हो, पहले तुम भारत का चक्कर लगाओ। गांधी जी ने पूरे भारत का चक्कर लगाने के बाद कहा कि सबसे पहले मुझे एक बेस चाहिए।
जहां से मैं अपनी हर चीज की शुरुआत कर सकूं। और गांधी जी ने अपने बेस बनाने के लिए सन 1916 में गुजरात के अहमदाबाद में बहुत ही मशहूर साबरमती आश्रम बनवाया। गांधी जी ने कहा यही मेरा बेस है, यहीं से मैं हर चीज शुरू करूंगा। और इसके बाद गांधी जी ने लगातार 3 सत्याग्रह किए, याद रखिएगा। सबसे पहला सत्याग्रह गांधी जी का था 1917 में। इसे कहते हैं बहुत ही फेमस, जिसे कहा जाता है चंपारण सत्याग्रह। याद रखना बच्चों, चंपारण सत्याग्रह बहुत ही मशहूर है, चंपारण सत्याग्रह 1917 का। अब होता क्या है कि गांधी जी ने सबसे पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह 1916 में किया। किसके अगेंस्ट किया था? तो अंग्रेजों का एक सिस्टम था भारत में जिसका नाम था 3 कठिया सिस्टम। अब 3 कठिया सिस्टम में क्या होता था कि अंग्रेजों ने भारत के किसानों से कहा कि तुम्हारी जो जमीन है उस पूरी जमीन को 20 भागों में बांटो, और उस 20 में से 3 भागों में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, नील की खेती करनी पड़ेगी। इसे इंडिगो भी रिवोल्ट कहते हैं, नील की खेती करनी पड़ेगी। अच्छा, नील की खेती करने से समस्या क्या होती थी कि पूरी जमीन जो है वो बंजर हो जाती थी, प्लस अंग्रेजों ने किसानों से कहा कि इस जमीन पे जो नील की खेती हो रही है उस नील को तुम मार्केट में नहीं बेच सकते, और उस नील को अंग्रेज जो हैं कौड़ी के दाम पर किसानों से लेते थे और इंटरनेशनल मार्केट में हैवी प्रॉफिट पे बेचकर पैसे कमाते थे। तो ये बहुत गलत बात थी। इसके विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया 1917 में, याद रखिएगा सबसे पहला था। 1918 में गांधी जी ने एक और सत्याग्रह किया जिसे हम कहते हैं बच्चों, याद रखिएगा, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह याद रखिएगा, बहुत ही मशहूर 1918 में, और गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था बच्चों ये खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह जो 1918 में गांधी जी ने किया गुजरात के अहमदाबाद में, याद रखिएगा, इसके पीछे कारण क्या था कि गुजरात में अंग्रेजों ने अगेंस्ट राइजिंग लैंड टैक्सेस, गुजरात में क्या हुआ, लैंड टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, तो अगेंस्ट राइजिंग लैंड टैक्सेस, तो लैंड टैक्सेस के विरोध में जो है गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह किया था, बहुत ही मशहूर खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। उसके साथ साथ 1918 में गांधी जी ने एक और किया, इसे कहते हैं अहमदाबाद सत्याग्रह। अहमदाबाद सत्याग्रह याद रखिएगा 1918 में। अब समझो बेटा, अहमदाबाद सत्याग्रह में क्या हुआ था? दरअसल होता यह है कि 1918 में अहमदाबाद हुआ यह कि अहमदाबाद में अंग्रेजों की बहुत बड़ी बड़ी मिल्स थी, और हुआ यह कि अंग्रेजों ने देखा कि गुजरात के अहमदाबाद में एक बीमारी फैल गई थी जिसे प्लेग कहा जाता है, और मिल के बहुत सारे वर्कर्स को प्लेग हो गया था, और उनके परिवार वाले मिल मालिक से जो है प्लेग बोनस की मांग कर रहे थे, और मिल मालिक जो है वो प्लेग बोनस देने को तैयार नहीं हो रहा था। तो गांधी जी ने कहा कि भाई लोगों को प्लेग हुआ है, आपको प्लेग बोनस तो देना पड़ेगा। तो गांधी जी ने इसके विरोध में इन सपोर्ट ऑफ प्लेग बोनस, तो याद रखिएगा इन सपोर्ट ऑफ प्लेग बोनस, कहते हैं कि प्लेग बोनस के सपोर्ट में गांधी जी ने जो है अहमदाबाद सत्याग्रह किया 1918 में। तो 1917 में चंपारण, 1918 में खेड़ा, और 1918 में खेड़ा। तो ये 3 सत्याग्रह कहते हैं कि गांधी जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 सत्याग्रह किए थे, याद रखिएगा। अब समझो बेटा, साबरमती आश्रम बहुत ही मशहूर था, और साबरमती के बाद चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, ये 3 सत्याग्रह गांधी जी ने लाइन से किए थे। अब समझो, अब अंग्रेजों ने कहा कि भैया ये गांधी जी नाम की कौन सी चीज आ गई। उन्होंने कहा ये तो हम जानते ही नहीं थे, अंग्रेज तो अभी तक लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल जैसे क्रांतिकारियों से लड़ रहे थे। उन्होंने कहा भाई ये कौन सी नई लोग आ गए। ठीक है, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय था अंग्रेजों के लिए। अब अंग्रेजों ने कहा कि इसे हमें भैया रोकना तो पड़ेगा। अब इसको रोका कैसे जाए, तो याद रखिएगा इसके लिए अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ी चाल चली। 1919 में अंग्रेजों ने भारत में एक कानून पास किया, और उस कानून को नाम दिया उन्होंने रोलैट्स एक्ट। क्या नाम दिया? रोलैट्स एक्ट। ये बड़ा फेमस कानून था,
और अंग्रेजों ने कहा कि अगर कोई भी भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र करते पकड़ा गया, शक के आधार पर भी पकड़ा गया, तो उसे उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा और कई साल तक तो उस पर मुकदमा भी नहीं चलेगा। याद रखिए, उन्होंने कहा मुकदमा भी नहीं चलने देंगे, जेल में पड़े रहोगे, सड़ जाओगे। और अंग्रेजों ने कहा कि हम शक के आधार पर भी अरेस्ट कर सकते हैं। अब गांधी जी ने कहा यह तो गलत बात है, ये काला कानून है, शक के आधार पर क्यों अरेस्ट कर सकते हो? और गांधी जी ने कहा कि हमें जो है इस रोलैट्स एक्ट का विरोध करना पड़ेगा। विरोध करने के लिए लोग जो हैं अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए लोग 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को लोग जो हैं अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे इस रोलैट्स एक्ट का विरोध करने के लिए। और वहां पर एक बहुत ही फेमस घटना हुई, याद रखिएगा, जिसे आप कहते हैं बच्चों जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग मैसेकर आपने सुना होगा, 13 अप्रैल 1919। पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग मैसेकर कहां हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था। किसके विरोध कर रहे थे लोग? तो बच्चों याद रखिएगा कि लोग रोलैट्स एक्ट का विरोध कर रहे थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया? जनरल डायर ने करवाया। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग मारे गए? तो याद रखिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में 1581 लोग जो हैं वो मारे गए। और इस 1581 लोग मारे गए, याद रखिएगा, हालांकि सरकारी फिगर कहती है कि सिर्फ और सिर्फ 379 लोग मारे गए, लेकिन एक्चुअल में बेटा वहां पर करीब करीब 1581 लोग मारे गए थे। बहुत बड़ी घटना थी जिसे हम कहते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको क्लियर है? तो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। एक काम तुम करो, एक काम हम करेंगे, ये वाली बात चल रही थी। अच्छा, इससे पहले आपको एक बात मुझे और बतानी थी। इससे पहले ये बात बतानी थी कि भारत में मुसलमानों ने तो अपना ग्रुप बना लिया था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अब हिंदू कैसे पीछे हट सकते हैं? तो और अंग्रेज तो चाहते ही थे कि हिंदू भी अपना ग्रुप बनाए, तो बिल्कुल सही बात है। 1915 में हुआ भी वही। तो हुआ ये बेटा कि ऑल इंडिया हिंदू महासभा का गठन हुआ, ऑल इंडिया हिंदू महासभा, ऑल इंडिया हिंदू महासभा का गठन हुआ था, याद रखिएगा, 1915 में। सो 1915 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा का गठन हुआ। इसे किसने किया था? मदन मोहन मालवीय साहब ने। सो महामना मदन मोहन मालवीय साहब ने ऑल इंडिया हिंदू महासभा का गठन 1915 में कर डाला। अब 1915 में यह भी हुआ था। अब हिंदू मुसलमान दो अलग अलग कहते ना बेटा ग्रुप में बढ़ गए थे, मुस्लिम लोग मुस्लिम लीग के साथ और हिंदू लोग जो हैं हिंदू महासभा के साथ। और आखिरकार अंग्रेजों की जो चाल थी वो कामयाब हुई। उन्होंने कहते हैं ना कि भारत को दो अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिया, हिंदू अलग और मुसलमान अलग। क्लियर है बच्चों, सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, इसी बीच 1916 में कांग्रेस जो अलग हुआ था, याद रखिएगा, रीयूनियन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का रीयूनियन हुआ था 1916 में। और ये कहां हुआ था? याद रखिएगा, ये लखनऊ में हुआ था। तो रीयूनियन ऑफ कांग्रेस 1916 लखनऊ में। तो याद रखिएगा कि लखनऊ में रीयूनियन ऑफ कांग्रेस हुआ था। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? सूरत में, और लखनऊ में रीयूनियन हुआ था। एक और चीज याद रखिएगा, लखनऊ में क्या हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक साथ शिरकत की थी। ये एकमात्र सेशन है कांग्रेस का जहां पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक साथ हिस्सा लिया था 1916 में लखनऊ में, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। सबको क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, समझ में आ गया आपको? जल्दी बताइएगा यहां तक क्लियर है तो भाई साहब मुझे जल्दी जल्दी बताते रहें। और लाइक बटन दबाने में भाई लोग बड़े पीछे हैं, अभी तक सिर्फ 27 लाइक ही आए हैं। लगता है क्लास अच्छी नहीं लग रही है लोगों को, लोगों को मज़ा नहीं आ रहा है। मज़ा नहीं आ रहा है तो भैया डिसलाइक भी दबाओ, मैंने कितनी बार कहा है, लेकिन लाइक और डिसलाइक आपको करते रहना पड़ेगा बेटा। आपको बताना पड़ेगा कि हमारी अनअकैडमी की मेहनत आपको कैसी लग रही है, आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। हम आपके लिए जो इतनी चीज़ें कर रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल हैं या नहीं है, ठीक है? साउंड ठीक है, क्लियर है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो रीयूनियन ऑफ कांग्रेस हो गया। रीयूनियन ऑफ कांग्रेस के बाद आगे बढ़ते हैं।
अब हुआ ये कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद गांधी जी ने कहा अच्छा बेटा तुम ऐसा करोगे तो गांधी जी ने कहा लो एक और चीज ले लो। 1920 में गांधी जी ने क्या किया कि 1920 में गांधी जी ने एक मूवमेंट की घोषणा करी जिसका नाम था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जिसे कहते हैं बच्चों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसे क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं बच्चों असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने कहा कि भैया असहयोग, गांधी जी ने लोगों से कहा कि ऑफिस जाना छोड़ दो, स्कूल जाना छोड़ दो, और बच्चों से कहा कि स्कूल मत जाओ, लोगों से कहा कि अंग्रेजी कपड़े मत पहनो, सिर्फ विदेशी कपड़े जो हैं पहनना छोड़ दो, खादी पहन के चलो, इससे अंग्रेज़ों की इकॉनमी जो होगी वो अपने आप डाउन हो जाएगी। तो गांधी जी के एक्शंस वाकई में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स का फ़र्क पड़ रहा था और अंग्रेज़ों की इकॉनमी जो है उस पर काफ़ी असर पड़ रहा था। अब होता यह है कि आपको मालूम है कि ईस्टर्न यूरोप में एक देश है जिसका नाम है टर्की, और टर्की में आपको मालूम है मुसलमानों के बहुत बड़े बड़े खलीफा हुआ करते थे, मुसलमानों के खलीफा हुआ करते थे, और अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि टर्की में कुछ इस्लामिक खलीफाओं की हत्या कर दी थी। उसके विरोध में भारत में एक मूवमेंट चलाया जाता था जिसका नाम था खिलाफत मूवमेंट। याद रखिएगा, भारत में एक मूवमेंट चला जिसका नाम था खिलाफत मूवमेंट 1919 में। ये दो भाइयों ने चलाया था, मोहम्मद अली और शौकत अली ने, याद रखिएगा। अब हुआ ये कि खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक हो गया, हिंदू और मुसलमान एक बार फिर से एक हो गए, और अंग्रेज़ ये चीज़ देखकर बहुत तेज़ घबरा गए, और अंग्रेज़ों ने घबरा कर क्या किया कि 1921 में एक हाई लेवल कमीशन को बुलाया जिसका नाम था हंटर कमीशन, और उन्होंने कहा कि हम जलियांवाला बाग हत्याकांड की जिम्मेदारी लेते हैं और हम इसकी जांच कराएंगे। हंटर कमीशन को बुलाया गया 1921 में, याद रखिएगा, और हंटर कमीशन ने जो है दिखाने के लिए आपके जनरल डायर को सस्पेंड कर दिया, हालांकि उसको वापस इंग्लैंड भी भेज दिया गया, एक तरह से बचा भी लिया गया। सो 1921 में हंटर कमीशन आया, हालांकि गांधी जी ने लोगों से कहा, अंग्रेज़ों से कहा कि अब चाहे तुम हंटर कमीशन बुलाओ या कुछ भी बुलाओ, हमारे मूवमेंट्स अब जारी रहेंगे, और गांधी जी ने लोगों से कहा कि देखो भाई ऐसा है कि तुम हिंसा नहीं करोगे, मारपीट नहीं करोगे, चुपचाप जो है शांतिपूर्वक आंदोलन करोगे, असहयोग करोगे, हिंसा नहीं करेंगे। और गांधी जी ने कहा आप मुझ पर विश्वास रखिए कि मैं आपको 2-4 साल में आज़ादी दिला दूँगा, 2-4 साल में आज़ादी दिला दूंगा, लेकिन आपको हिंसा नहीं करनी। और लोग गांधी जी की बात बहुत मानते थे, और लोग शांति से एक जुलूस निकाल रहे थे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास, एक जगह है जिसका नाम है चौरी चौरा। चौरी चौरा में एक शांति से जुलूस निकल रहा था, और अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती जुलूस पर गोलियाँ चला दी, नाराज़ होकर लोगों ने पुलिस वालों की हत्या कर दी, पुलिस थाने को भी आग लगा दी। ये बहुत ही फेमस केस था जिसे बच्चों हम लोग चौरी चौरा इंसिडेंस कहते हैं, चौरी चौरा इंसिडेंस कहते हैं। 1922 में फरवरी में हुआ था, और गांधी जी ने कहा कि भाई आपने हिंसा क्यों की जबकि मैंने मना किया था कि आप हिंसा नहीं करेंगे, और गांधी जी ने कहा कि अभी हमारा देश आज़ादी के लिए तैयार नहीं है, और गांधी जी ने क्या किया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ कर लिया। तो याद रखिएगा, विड्रॉ ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया 1922 में, क्योंकि गांधी जी ने कहा कि भारत के लोगों ने हिंसा की है, और गांधी जी की डिक्शनरी में हिंसा नाम की बच्चों आपको मालूम है कि कोई भी जगह नहीं थी। सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने क्या किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने वापस ले लिया। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सब लोग जवाब दें मुझे, यहां तक क्लियर है या नहीं है, फटाफट बताएं। सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है गांधी जी ने वापस ले लिया। अच्छा फैक्ट बताऊं, गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लेने से कुछ गड़बड़ियां भी हुई। गड़बड़ियां ये हुई कि बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे कि आज के जो हमारे क्रांतिकारी हैं जिनके नाम हम लिखते हैं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब कहते हैं कि गांधी जी के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे जब तक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने वापस नहीं लिया था। लेकिन कहते हैं कि गांधी जी ने जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस लिया तो इन लोगों को बहुत बुरा लग गया,
गांधी जी ने जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लिया तो इन लोगों को लग गया बुरा। इन्होंने कहा कि गांधी जी के बस की बात नहीं है कि वो हमें आज़ादी दिला सकें। एक क्रांतिकारी हुआ करते थे एसएन सान्याल साहब, याद रखिएगा। उससे पहले आपको बता दूं कि भारत में और भी विचारधाराएं जो हैं वो पनप रही थीं। और मैं आपको बताऊं कि 1922 में भारत में एक पार्टी बनी जिसका नाम था फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, याद रखिएगा। स्वराज पार्टी नाम की एक और पार्टी बनी भारत में 1922 में, और इस पार्टी को दो लोगों ने बनाया था। पहले थे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू, और सेकंड नंबर पे हुआ करते थे देशबंधु सी आर दास, जिन्हें आप चितरंजन दास भी कहते हैं। तो देशबंधु चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई 1922 में, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, अब हुआ ये कि क्रांतिकारियों ने कहा कि गांधी जी के बस की नहीं है कि हमें आज़ादी दिलाएं, और क्रांतिकारियों ने क्या किया, 1924 में एक क्रांतिकारी हुआ करते थे, एक इनका नाम था एसएन सान्याल, एसएन सान्याल साहब ने 1924 में एक पार्टी बनाई जिसका नाम था एचआरए, इसे हम कहते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम की उन्होंने पार्टी बनाई और उन्होंने कहा कि अब हम हिंसा करेंगे। प्रॉब्लम समझो, एसएन सान्याल साहब ने बनाई तो थी, लेकिन इसमें जो प्रमुख लीडर हुआ करते थे वो चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह जैसे लोग हुआ करते थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन तो आपने बना दिया, लेकिन बच्चों प्रॉब्लम क्या थी कि क्रांति जो है वो सिर्फ जज्बे से नहीं होती है, क्रांति करने के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं, और क्रांतिकारियों के पास यही नहीं था। मतलब उनके पास जज्बा था देश को आज़ाद दिलाने का, लेकिन उनके पास बेटा पैसे नहीं थे, और बिना पैसे के क्रांति होगी कैसे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। बिना पैसे के क्रांति कैसे होगी, तो इन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए, और याद रखिएगा इसके लिए घटना को अंजाम देने की बात की गई 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को अंग्रेजों ने एक बड़ी, अरे क्रांतिकारियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया 9 अगस्त 1925 को। याद रखिएगा कि लखनऊ जो है अंग्रेजों का एक बहुत प्रमुख शहर हुआ करता था, एक बड़ी फेमस कैंटोनमेंट भी थी, और एक ट्रेन थी जो सहारनपुर से लखनऊ आ रही थी, भारी मात्रा में उसमें पैसा था और हथियार थे। तो डिसाइड हुआ कि लखनऊ के आउटर में एक जगह है जिसका नाम है काकोरी, वहाँ पर इस ट्रेन को रोका जाएगा और वहाँ पर इसे लूटा जाएगा। और याद रखिएगा 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के बाहर काकोरी में इस ट्रेन को लूटा गया, और बहुत ही फेमस जिसे हम कहते हैं काकोरी ट्रेन रॉबरी, याद रखिएगा काकोरी ट्रेन डकैती बहुत ही मशहूर डकैती थी 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास की गई। लखनऊ के पास बहुत ही मशहूर काकोरी ट्रेन रॉबरी 9 अगस्त 1925 को 3-4 लोगों ने इसे अंजाम दिया जो कि मेन थे, जिसमें सबसे पहले चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह। लखनऊ के पास बहुत बड़ी ये डकैती हुई, काकोरी ट्रेन डकैती, और मैं आपको बता दूं इस डकैती में करीब 3.25 लाख रुपए की डकैती की गई। बेटा उस ज़माने में 3.25 लाख रुपए की बहुत बड़ी वैल्यू थी। सो 9 अगस्त 1925 को ये डकैती हुई। चलिए, ये बहुत बड़ी घटना होती है अपने आप में, हालांकि इसके बाद कहानी आगे और बढ़ती है। ये सब होने के बाद अंग्रेजों ने कहा चलो ठीक है एक काम करते हैं। अंग्रेजों ने कहा, यहां तक सबको क्लियर है ना भाई, सबको समझ में आ गया, यहां तक जानते हैं आपको क्या करना है, ये या ये, लेकिन प्लीज करते रहिए। अब अंग्रेजों ने कहा कि हमें भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाना है, संसदीय लोकतंत्र को आगे बढ़ाना है, और 1927 में अंग्रेजों ने भारत में एक हाई लेवल कमीशन को बुलाया जिसका नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन नाम के एक हाई लेवल कमीशन को अंग्रेजों ने भारत में बुलाया। 1927 में अंग्रेजों ने भारत में एक हाई लेवल कमीशन को बुलाया जिसका नाम था साइमन कमीशन, ताकि भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि इस साइमन कमीशन में एक भी भारतीय जो है सदस्य नहीं था, तो हंगामा तो होना था, बचपन में देखा नहीं है, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक, ठीक है। तो हुआ यह कि 1927 में जो है ये काफी फेमस चीज हुई। लेकिन अब हुआ यह कि चंद्रशेखर आजाद साहब जो हैं, जब काकोरी ट्रेन रॉबरी हुई तो उसमें काफी लोग पकड़े गए,
और उन सबको फांसी हो गई। लेकिन चंद्रशेखर आजाद साहब जो हैं उन्हें बहरूपिया कहते थे, छुप छुपा के भाग निकले। और चंद्रशेखर आजाद साहब भागने में कामयाब हो गए, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो एचआरए की डे टू डे एक्टिविटीज़ नहीं चला सकते थे क्योंकि पुलिस उनके जान के पीछे पड़ चुकी थी। अब उन्होंने क्या किया कि एचआरए की जिम्मेदारी एक नए लड़के को दे दी और 1928 में उस नए लड़के ने एचआरए का नाम चेंज करके एचएसआरए रख दिया, जिसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कहते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ये नाम किसने दिया? सरदार भगत सिंह साहब ने। सरदार भगत सिंह साहब ने इसे नाम दिया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में, एचएसआरए। और सरदार भगत सिंह क्या हुआ कि सरदार भगत सिंह जो हैं लाला लाजपत राय का साथ देने के लिए लाहौर पहुंचे, जहां साइमन कमीशन पहुंच रहा था। और साइमन कमीशन जैसे ही लाहौर रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, नारे लगने लगे साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। अब ये देखकर भैया काफ़ी हंगामा हुआ। लाहौर का पुलिस कमिश्नर था जिसका नाम था स्कॉट। ये क्या था? पुलिस कमिश्नर ऑफ लाहौर। लाहौर का पुलिस कमिश्नर था स्कॉट, और इसने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज का आदेश दिया। पुलिस ने लाठी चार्ज किया और हुआ ये कि उस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय के सर पर लग गई गहरी चोट और लाला लाजपत राय की मौत हो गई। याद रखिएगा 1928 में डेथ ऑफ लाला लाजपत राय, डेथ ऑफ लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय साहब की मौत हो गई 1928 में उस लाठी चार्ज में। अब अंग्रेजों ने कहा कि अगर हमने लाला जी की मौत का बदला नहीं लिया तो अंग्रेज हमें समझेंगे कमजोर, अंग्रेज हमें समझेंगे कायर कि हमने बदला नहीं लिया। अब हुआ ये कि षड्यंत्र रचा गया कि लाहौर के पुलिस कमिश्नर स्कॉट की हत्या की जाएगी, लाहौर के पुलिस कमिश्नर स्कॉट की हत्या की जाएगी। हत्या के कांड में शामिल हुए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, और ये तीनों स्कॉट को मारने पहुंचे लाहौर के पुलिस हेडक्वार्टर। अब वहां पर इन्हें स्कॉट तो मिला नहीं, वहां इन्हें मिल गया बेटा सॉन्डर्स। वहां स्कॉट मिला नहीं, इन्हें कौन मिल गया? इन्हें मिल गया सॉन्डर्स। अब सॉन्डर्स भी छोटा मोटा अधिकारी नहीं था, ये कमिश्नर नहीं लेकिन एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था, एएसपी ऑफ लाहौर। लाहौर का बेटा ये एएसपी था, इसका नाम था सॉन्डर्स। अब क्रांतिकारियों को तो भाई अपना सिर्फ जवाब देना था, अब किसी से पर्सनल दुश्मनी तो थी नहीं, तो जो मिला उसको समझ रहे हैं आप क्या किया गया, उसको चमका दिया गया बढ़िया से। और याद रखिएगा 1928 में क्या हुआ कि बहुत ही फेमस चीज हुई जिसे हम कहते हैं बच्चों मर्डर ऑफ सॉन्डर्स, मर्डर ऑफ सॉन्डर्स, सॉन्डर्स की हत्या की गई। सॉन्डर्स कौन था? एएसपी ऑफ लाहौर, लाहौर के एएसपी हुआ करते थे सॉन्डर्स साहब, इनकी कर दी गई बेटा हत्या। तो हत्या कर दी गई सॉन्डर्स की, और इस हत्या को तीन लोगों ने किया, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने। इस केस को बहुत ही फेमस लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस कहा जाता है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। ये लाहौर षड्यंत्र है, जैसे कि दिल्ली कॉन्स्पिरेसी था, ये लाहौर कॉन्स्पिरेसी 1928 में। मैंने बताया कि दो कॉन्स्पिरेसी आपको याद रखनी है। अब होता यह है कि सॉन्डर्स की हत्या करने के बाद अंग्रेजों ने खुलेआम घोषित कर दिया कि भगत सिंह जो है वो आतंकवादी है, भगत सिंह जो है वो आतंकवादी है, ये खुलेआम अंग्रेजों ने घोषित कर दिया। कांग्रेस ने भी इसका साथ दिया। अब भगत सिंह ने कहा कि मैं देश के लिए इतना कर रहा हूं, लोग मुझे आतंकवादी घोषित कर रहे हैं, मैं साबित कर दूंगा मैं आतंकवादी नहीं, मैं क्रांतिकारी हूं। और भगत सिंह ने कहा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा ताकि मेरे ऊपर केस चले और मैं कोर्ट में बता सकूं कि मैं आतंकवादी नहीं, मैं क्रांतिकारी हूं। लेकिन केस चलेगा कैसे? भगत सिंह साहब इसके लिए परेशान थे क्योंकि लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में अगर सरेंडर किया तो सुनवाई होनी नहीं, सीधे फांसी हो जाएगी, तो कुछ और कांड करना पड़ेगा, कुछ केस करते हैं। अब इन्होंने कहा कि ऐसा केस करते हैं जिसपे हमारे ऊपर केस चले। और 1929 में भगत सिंह और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बटुकेश्वर दत्त, इन्होंने क्या किया कि दिल्ली की असेंबली में एक बम फेंक दिया।
बॉम्ब इन दिल्ली असेंबली, दिल्ली की असेंबली में बम फेंका, लेकिन ये बम ऐसे थे बेटा सिर्फ धुएं के बम थे, इससे किसी को चोट नहीं लगी, इसी किसी को चोट नहीं लगी, और वहां से लोग भागे नहीं बल्कि इन्होंने खुद को गिरफ्तार करवाया, इन्होंने वहां से भागे नहीं बल्कि खुद को गिरफ्तार करवाया, और याद रखिएगा इनके ऊपर केस चला। अब कोर्ट में लोग चिल्लाने लगे भैया भगत सिंह को बारे में जिंदाबाद जिंदाबाद, क्योंकि भगत सिंह जो है कोर्ट में जाकर लंबी लंबी बातें करने लगे, तो मालूम चला कि ये क्रांतिकारी है भाई, ये तो आतंकवादी नहीं है, और मीडिया जो है खूब भर भर के भगत सिंह के बारे में अच्छी अच्छी चीजें लिख रही थी, भगत सिंह हीरो बनते जा रहे थे, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट था कि गांधी जी तो आधा शासन मांग रहे थे और भगत सिंह यहां चिल्ला रहे थे पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस, गांधी जी तो डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे, भगत सिंह तो पूर्ण स्वराज चिल्ला रहे थे। अब गांधी जी को आलम यह था कि बेटा एक समय ऐसा आया कि भगत सिंह की लोकप्रियता भारत में बहुत बढ़ती जा रही थी, वो यूथ आइकन बन गए थे, देश के नेशनल हीरो थे, और गांधी जी जो थे उनको लग रहा था कि इससे कांग्रेस की अहमियत कम हो जाएगी, कांग्रेस तो आधा शासन मांग रही है तो पूर्ण स्वराज मांग रहे हैं। और हुआ ये, यही हुआ यहां पर कि गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू से कहा कि तुम भी जाओ और तुम भी पूर्ण स्वराज की मांग करो। तो 1929 में लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ, याद रखिएगा 1929 में लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर सेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग हुई। पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कब हुई? 1929 में लाहौर सेशन में, और ये मांग किसने की थी? ये मांग की थी श्री जवाहरलाल नेहरू साहब ने, क्योंकि भगत सिंह जो हैं पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे। अच्छा, आपको मालूम है कि भारत में क्या होता था कि बहुत सारी नमक कंपनियां थी, और नमक कंपनियों को नमक बनाने के लिए अंग्रेजों को टैक्स देना पड़ता था। अब गांधी जी ने कहा कि नमक जो है वो तो शरीर के लिए आवश्यक है, और गांधी जी ने कहा नमक के लिए किस बात का टैक्स? तो गांधी जी ने कहा नमक के लिए टैक्स नहीं होना चाहिए, और गांधी जी ने एक और मूवमेंट छेड़ा 1930 में जिसे हम कहते हैं बच्चों सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जिसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट गांधी जी ने छेड़ दिया जिसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, और इसके तहत गांधी जी 12 मार्च 1930 को निकल पड़े बहुत ही फेमस, 12 मार्च 1930 को गांधी जी निकल पड़े बहुत ही फेमस दांडी मार्च पर, कहां से कहां तक? साबरमती से लेकर दांडी तक, ताकि वो सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर सकें। तो सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए गांधी जी साबरमती आश्रम से निकल पड़े, कहां तक के लिए? दांडी के लिए। तो साबरमती से गांधी जी कहां गए? दांडी तक, करीब 400 किलोमीटर पैदल चलते हुए चले गए, याद रखिएगा 12 मार्च 1930 को, ताकि वो सॉल्ट लॉ तोड़ सकें, याद रखिएगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। अब 1931 में इरविन ने गांधी जी को बुलाया एक समझौते के लिए जिसे कहा जाता है गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को, और लोगों ने गांधी जी से कहा कि इस पे तभी साइन करिएगा जब लॉर्ड इरविन भगत सिंह को छोड़ने को तैयार हो जाए। तो गांधी जी ने लॉर्ड इरविन से कहा कि भगत सिंह का कुछ हो सकता है? तो लॉर्ड इरविन ने कहा जैसा आप कहें। गांधी जी ने कहा भैया देखो ऐसा है कि भगत सिंह ने किसी की हत्या की है, और तुम मुझसे कहोगे कि तुम एक हत्या करने वाले इंसान की रिकमेंडेशन करो तो मैं नहीं कर सकता, मैं एक अहिंसावादी इंसान हूं, मैंने अपने जीवन में एक चींटी भी नहीं मारी है, और भगत सिंह ने किसी की हत्या की है मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता, तुम्हारा कानून उसे छोड़ सकता है तुम छोड़ दो, लेकिन मुझसे कहोगे रिकमेंडेशन दो तो मैं उसकी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। और गांधी जी ने इरविन पैक्ट पर साइन कर दिया। गांधी जी ने जैसे ही इरविन पैक्ट पर साइन किया उसके बाद गांधी जी ने क्या किया? विड्रॉ ऑफ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को क्या किया? विड्रॉ कर लिया। इधर गांधी जी ने विड्रॉ किया, उधर 23 मार्च 1931 को एग्जीक्यूशन हो गया, एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु। सो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई 23 मार्च 1931 को लाहौर में। सो 23 मार्च 1931 शहीदी दिवस बेटा, एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु, इन तीनों को फांसी दे दी गई।
अब एक क्रांतिकारी बचे थे जिनका नाम था चंद्रशेखर आजाद, और बहुत समय से अंडरग्राउंड चल रहे थे। एक दिन वो किसी से मिलने के लिए इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क पहुंचे थे और वहां पर उनकी पुलिस से भिड़ंत हो गई और बहुत लंबी भिड़ंत चली। दरअसल पुलिस को किसी ने बता दिया था कि आज यहाँ आने वाले हैं अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में। पुलिस ने उनको घेर लिया, बहुत लंबी गोलीबारी हुई और जब अंत में उनके बंदूक में एक ही गोली बची थी तो उन्होंने कहा कि भाई मैं अंग्रेज़ों की गोली से तो मरूंगा नहीं, इससे बेहतर है कि मैं खुद को ही गोली मार लेता हूँ। और उन्होंने खुद को ही वहाँ पर गोली मार ली, याद रखिएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अंग्रेज़ों की गोली से नहीं मरना चाहता। तो याद रखिएगा कि चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने खुद को ही गोली मार ली थी 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, याद रखिएगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि सारे क्रांतिकारी भारत में हो चुके थे समाप्त और अंग्रेजों को लग रहा था कि अब क्रांतिकारी तो बचे नहीं है, अब गांधी जी बचे, उनसे निपट लेंगे। अब अंग्रेजों ने कहा कि गांधी जी से भी निपटना आसान काम तो है नहीं। अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत में पहले तो उन्होंने देखा कि भारत में क्या है, जातिवादी सिस्टम बहुत ज्यादा है। अंग्रेजों ने देखा जातिवादी सिस्टम बहुत ज्यादा है, हाई कास्ट लो कास्ट अनटचेबल ये बहुत ज्यादा है। और लो कास्ट के लीडर हुआ करते थे भीमराव अंबेडकर। अंग्रेजों ने भीमराव अंबेडकर साहब को बुलाया और उनसे कहा कि साहब देखो हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं लेकिन ये लोग नहीं करते हैं कांग्रेसी, और देश की आज़ादी के बाद आपके जो अचीवमेंट्स हैं उनको नाकार दिया जाएगा। इसलिए अंग्रेज़ों ने कहा कि हम भारत में जो आपके कमिटी के लोग हैं उनको कुछ अवार्ड्स बांटेंगे। और अंग्रेज़ों ने भारत में एक अवार्ड की घोषणा करी जिसे हम कहते हैं कम्यूनल अवार्ड्स 1932 में। इस अवार्ड को नाम दिया गया रामसे मैकडॉनल्ड अवार्ड। दरअसल रामसे मैकडॉनल्ड जो हैं, रामसे मैकडॉनल्ड अवार्ड, रामसे मैकडॉनल्ड इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे और इनके नाम पर अवार्ड रखा गया रामसे मैकडॉनल्ड अवार्ड। और भीमराव अंबेडकर को तो पहले ही अंग्रेज़ों ने अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया था। अंग्रेज़ों को मालूम था कि गांधी जी इसका विरोध तो भयंकर करेंगे, और गांधी जी इसका विरोध ना करें इससे पहले अंग्रेज़ों ने पकड़ कर गांधी जी को पुणे के येरावाडा जेल में बंद कर दिया फालतू में बिना किसी इल्जाम के। गांधी जी ने वहां भी अपना आंदोलन छेड़ दिया और गांधी जी ने कहा कि आई विल फास्ट टिल डेथ। गांधी जी ने कहा कि मैं अपनी मौत तक अनशन करूंगा, याद रखना। गांधी जी ने कहा आई विल फास्ट टिल डेथ, मैं अपनी मौत तक अनशन करूंगा। गांधी जी 27 दिन भूख हड़ताल पर बैठे रहे और उनकी हालत हो गई ख़राब। ऐसा लगने लगा कि बढ़िया ये तो अब हो जाएंगे, मर जाएंगे, अब इससे उनके मरने से तो बहुत बवाल हो जाता। अब अंग्रेज़ समझ गए कुछ करना पड़ेगा और इस चक्कर में गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ जिसे कहा जाता है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट 1932, याद रखिएगा 1932 का पूना पैक्ट गांधी जी और अम्बेडकर के बीच, जिसके बाद क्या हुआ कम्युनल अवार्ड्स पर रोक लग गई और गांधी जी ने अपनी भूख हड़ताल को तोड़ दिया। लेकिन कहीं ना कहीं बेटा डिफरेंसेस तो आ गए थे, याद रखिएगा, डिफरेंसेस तो अब क्रिएट हो चुके थे। ठीक है बच्चों, ये भी याद हो गया, ठीक है, सॉरी। तो ये डिफरेंसेस तो बेटा अब क्रिएट हो चुके थे, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। ठीक है, एक बहुत बड़े डिफरेंस क्रिएट होना ये अच्छी बात तो थी नहीं बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब कहानी क्या होती है कि भाई आपको मालूम है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गया था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज़ों को कड़ी टक्कर मिल रही थी दो लोगों से, बेनिटो मुसोलिनी और किससे, एडोल्फ हिटलर से। और अंग्रेज़ों के लाखों सैनिक मारे जा रहे थे युद्ध फ्रंट पर, तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि लड़ने मरने के लिए हम अपने सैनिकों को क्यों आगे करें। भाई जब लड़ने मरने के लिए ब्रिटिश सैनिक हैं तो उन्हें आगे कर देते हैं। अंग्रेज़ों ने सोचा कि लड़ने मरने के लिए हम अपने सैनिक क्यों आगे करें, जब भारतीय सैनिक हैं तो उनको आगे करते हैं। और 1942 में अंग्रेज़ों ने भारत में एक हाई लेवल मिशन को भेजा जिसका नाम था क्रिप्स इंडिया मिशन। क्रिप्स इंडिया मिशन ने कहा कि अगर अंग्रेज़ों का साथ दिया भारतीयों ने तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम भारत को आज़ाद कर देंगे, हम भारत को आज़ाद कर देंगे। गांधी जी ने कहा देखो ऐसा है क्रिप्स बाबू, तुम हमसे समझौता तो करो मत, समझौता करने की हालात में तुम हो नहीं। और गांधी जी ने कहा कि ना तो हम तुम्हारा साथ देंगे और दूसरी चीज़ सुन लो, तुम्हें आज़ादी तो देनी पड़ेगी। और गांधी जी ने इससे नाराज़ होकर के 8 अगस्त 1942 को अपना आखिरी मिशन छेड़ा जिसका नाम था क्विट
इंडिया मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो गांधी जी ने कहा, कहां पे कहा, बॉम्बे में कहा। सो बॉम्बे में गांधी जी ने कहा कि क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और गांधी जी ने कहा क्रिप्स जो है वो एक झूठा आदमी है, और गांधी जी ने क्रिप्स इंडिया मिशन को क्या कहा, उन्होंने कहा ये कुछ नहीं, ये एक पोस्ट डेटेड चेक है, ये ऐसा चेक है जो कभी क्लियर नहीं होगा, ये हमें लुभावने सपने ज़रूर दिखा रहा है लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद भी हमें आज़ाद करेगा नहीं, याद रखिएगा गांधी जी ने ऐसा कहा। अच्छा, इसी बीच जो है कुछ और नौटंकियाँ भी हमारे देश में हो रही थी, वो भी आपको बताना ज़रूरी है कि 1940 में 1940 में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पास किया जिसे कहा गया लाहौर रेजोल्यूशन। लाहौर रेजोल्यूशन नाम का एक प्रस्ताव पास किया गया एट लाहौर बाय मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने लाहौर रेजोल्यूशन पेश किया, और लाहौर रेजोल्यूशन में क्या हुआ कि टू नेशन थ्योरी सामने आई। टू नेशन थ्योरी, उन्होंने कहा कि यहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान की पहली बार मांग की थी। 1940 में टू नेशन थ्योरी की बात हुई, और मोहम्मद अली जिन्ना ने एक बड़ी गंदी बात कही, उन्होंने कहा कि आइदर देयर विल बी अ डिवाइडेड इंडिया और देयर विल बी अ डिस्ट्रॉयड इंडिया, बट दे कैन नॉट बी अ यूनाइटेड इंडिया। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा टू नेशन थ्योरी की बात हुई। भारत में एक बड़े अच्छे व्यक्ति थे जिनका नाम था सी राजा गोपालाचारी, और उन्होंने एक आखिरी कोशिश करने की कोशिश करी, एक फार्मूला निकाला गया सी आर फार्मूला, जिसे सी राजा गोपाला फार्मूला कहा जाता है। शिमला में ये फार्मूला रखा गया गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना के सामने, और गांधी जी ने कहा मोहम्मद अली जिन्ना से कि तुम्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि मोहम्मद अली जिन्ना के दिमाग में अब कुछ और बात थी, वो तो देख रहे थे पाकिस्तान का गांधी बनने का सपना, और ये जो समझौता था वो दिल्ली शिमला में हो रहा था 1945 में, लेकिन हुआ नहीं और ये फेल हो गया। तो आखिरी कोशिश जो थी वो भी फेल हो गई। लेकिन इसी बीच आपको मालूम है क्या हुआ कि इसी बीच आपको मालूम होना चाहिए बेटा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भी अंत हुआ, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेज़ों ने युद्ध का एनालिसिस किया तो देखा युद्ध जीत तो गए हैं लेकिन युद्ध जीत कर भी हार चुके हैं, क्योंकि युद्ध में सारे सैनिक, लाखों सैनिक मर चुके थे, शाही खजाना ख़त्म हो चुका था, अब ना पैसे थे ना ताकत थी कि दुनिया पर शासन कर सकें, और अंग्रेज़ों ने भारत को आज़ाद करने का प्रोसेस शुरू किया। 1946 में अंग्रेज़ों ने भारत में एक मिशन को भेजा जिसका नाम था कैबिनेट मिशन प्लान। इसमें तीन लोग आए, तो याद रखिएगा एक थे क्रिप्स, एक थे लॉरेंस और एक थे अलेक्जेंडर। सो क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर ने भारत में कैबिनेट मिशन प्लान में आए, और इन्होंने दो चीज़ें की। पहली चीज़, इन्होंने क्या किया, कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज सेटअप, भारत की संवैधानिक सभा का गठन किया। तो संवैधानिक सभा भारत की बनाई किसने, इन्होंने बनाई। और दूसरी चीज, इंटरिम गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड, और हमारे देश में एक जो है काम चलाओ सरकार बना दी गई, जो जब तक देश आज़ाद ना हो जाए सरकार के रूप में काम कर सके। इस इंटरिम गवर्नमेंट के लीडर पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए, उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया, कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, अब 3 जून 1947 को, नहीं उससे पहले एक और घटना हुई, इससे पहले यह होता है, हाँ, अब 20 फरवरी 1947 को रेडियो पे घोषणा हुई कि भारत में ब्रिटिश शासन का अंत होगा। भारत में डिक्लेरेशन ऑफ एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, तो भारत में ब्रिटिश शासन का अंत होगा, इसकी घोषणा हुई बाय क्लिमेंट एटली नाम के जो है एक व्यक्ति थे जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उन्होंने रेडियो पे घोषणा करी 20 फरवरी 1947 को कि भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की घोषणा होगी। ये घोषणा कर दी गई। 3 जून 1947 को माउंट बैटन प्लान लाया गया, जिसे जून 3 प्लान भी कहते हैं। माउंट बैटन प्लान, जिसे हम जून 3 प्लान भी कहते हैं,
और इसमें क्या हुआ, इंडिया और पाकिस्तान वर डिवाइडेड, भारत और पाकिस्तान जो है वो क्या किया गया, अलग कर दिया गया। सो भारत पाकिस्तान जो है वो डिवाइड हो गए। इसके बाद 4 जुलाई 1947 को लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पास किया। ब्रिटेन में जो है लंदन में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया गया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 4 जुलाई 1947 को। तो 4 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया गया। और इसके बाद आपको मालूम है कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बिकेम इंडिपेंडेंट, पाकिस्तान आज़ाद हुआ और पहले प्रधानमंत्री बने श्री लियाकत अली खान। और 15 अगस्त 1947 को इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, भारत आजाद हुआ और प्रधानमंत्री बने श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये हो गया बेटा हमारा फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया 1857 से 1947। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा, ठीक है। सौरभ चौधरी, मेरा कोर्स अनअकैडमी पर 9 दिसंबर से आ रहा है, 9 दिसंबर से मेरा कोर्स आ रहा है, ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा। मंत्रा ऑफ सक्सेस क्या है लाइफ में, कितनी बार बताया है, सेल्फ बिलीफ, खुद पर भरोसा रखो बच्चों, किसी से हो ना हो मुझसे होगा, ठीक है। डिसिप्लिन, खुद से ईमानदारी, स्टडीज के लिए प्यार और कभी हार ना मानो, कहते हैं ना बेटा कि नेवर से डाई एटीट्यूड। आप लोगों को एक दिन एक बात बताई थी बहुत अच्छी, मैंने क्या कहा था कि बच्चों बर्न योर बोट्स, सब कुछ भूल जाओ जीवन में। कहते ना कि सिर्फ एक ही रास्ता दिखता है मुझे और वो है सक्सेस का, तो याद रखिएगा। ये देख रहे हैं ना, आई ईट सक्सेस फॉर ब्रेकफास्ट, इससे ज़्यादा आपके अंदर और कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों, क्लियर है, क्लियर सबको, समझ में आ गया, ठीक है बच्चों, फाइन। चलिए थैंक यू सो मच। और ये नारा याद रखिएगा बच्चों, लेट्स क्रैक इट, ये क्रैक करना है बच्चों, याद रखिएगा, सो लेट्स क्रैक इट, इसको याद रखना है, क्योंकि जब तक ये नारा दिमाग में नहीं रहेगा वो कहते ना सक्सेस की डेफिनेशन क्लियर नहीं रहेगी। तो लेट्स क्रैक इट, इसको याद रखते हैं और इस सेशन को जितना हो सके उतना शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी दिखाएं। क्लास अच्छी लग रही है तो भाई लाइक बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ख़राब लगी तो डिसलाइक, और किसी तरह की कोई भी चीज़ पूछनी हो तो हमें कमेंट भी कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।